महतारी वंदन योजना से जुड़ा पिंडरा में अनोखा मामला सामने आया है। तिलोरा गांव में जब अधिकारी कर्मचारी महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरवा रहे थे, तब एक आवेदन देखकर वो भी चौंक गए। ये आवेदन किसी महिला का नहीं बल्कि एक पुरुष का था। इस पुरुष का नाम कलम सिंह है, जिसने योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन दिया है। दरअसल बीजेपी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 21 वर्ष से ज्यादा की विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाएगा। इसके लिए 21 फरवरी तक फॉर्म भी भरवाए गए। कलम सिंह जब आवेदन भर रहे थे, तब उन्हें लोगों ने बहुत समझाया कि ये योजना केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए नहीं। लेकिन कमल सिंह के जिद के आगे कर्मचारियों को फॉर्म लेना पड़ा। अब कमल सिंह फॉर्म भरने के पीछे जो तर्क दे रहे हैं, वो आप भी सुनिए। हमारा तर्क है सर कि अब महिला तो मेरे साथ में नहीं है, परिवार है, परिवार का मुखिया हूँ मैं। तो मेरा मतलब है कि जो भाई मेरे परिवार में महिला होती तो उसके वो तो अपनी जगह में भर्ती पर नहीं होने के कारण मैं परिवार का मुखिया होने के कारण मतलब मैं अपना फार्म भरा हूँ सर महतारी बंधन में। पर ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए योजना थी, महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा था, तो क्या आप महिला हो या महिला का आप अधिकार लेना चाहते हैं? नहीं तो महिला नहीं है सर, अब परिवार मैं परिवार के हिसाब से और राशन कार्ड मेरे नाम से है, इसको मानते हुए जो राशन कार्ड के आधार पर और ये सब फार्म भरे उसके आधार पर मैं भर दिया हूँ सर। अब जो भी अब शासन इस पर विचार करे, अब शासन के ऊपर। ऐसा ही मानते क्या महतारी वंदन के अलावा पुरुष वंदन भी होने चाहिए? अब हाँ मान तो रहे सर हम अपन, और इसी उद्देश्य से फार्म भी भरे सर। कलम सिंह का ये भी दावा है कि यदि घर में कोई महिला होती तो उसको इस योजना का लाभ मिलता, लेकिन अब महिला कोई है नहीं घर में, इसीलिए वो आवेदन भर रहे हैं ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। हालांकि कलम सिंह के इस आवेदन को अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुरुष भी अपात्र व्यक्ति हैं, वो लोग भी आवेदन कर रहे हैं। कलम सिंह का मामला भी सामने आया था, संज्ञान में आया था। ये पुरुष व्यक्ति था, उसने महतारी बंधन के लिए गाँव में आवेदन किया था। अब आवेदन को परीक्षण उपरांत उसको अपात्र पाया गया, इसलिए उसको अपलोड नहीं किया गया और उसको आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में कई स्थानों पर ऐसे ही कुछ और लोगों ने भी आवेदन किया था, जिसको शिविर स्थल पर ही अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन कलम सिंह की मांग है कि महिलाओं की तरह पुरुष वंदन योजना भी होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार भी कभी पुरुषों के लिए कोई ऐसी योजना लेकर आएगी। पिंडरा से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।